नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को सब्जी उत्पादक किसानों की तरफ ध्यान आकर्षित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि टमाटर जब तक किसानों के खेतों में था तब तक वह 1 से लेकर 5 रुपये प्रति किलो के रेट पर पिट रहा था। किसानों की लागत तक पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही टमाटर किसान के खेत से व्यापारियों के गोदाम में पहुंचा तो 100 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा रेट पर बिक रहा है। स्पष्ट है कि सरकार न किसानों के अधिकारों का संरक्षण कर पा रही है और न ही आम जनता को राहत दे पा रही है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी सरकार किसानों को मुआवजा, एमएसपी और समय पर खाद देने के मामले में पूरी तरह विफल साबित हुई है। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने सूरजमुखी के किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था, लेकिन खुद के वादे से मुकरते हुए सरकार ने पोर्टल ही बंद कर दिया। अब किसान अपनी फसल बेचने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इसी तरह 1962 रुपये एनएसपी वाली मक्का 1000 से भी कम रेट पर पिट रही है। इससे पहले सरसों, धान और गेहूं के किसानों को भी घाटे में अपनी फसल बेचनी पड़ी थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।